हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। देखिए यहाँ पे केस कैसा है, कौन सा ट्रेट है ये पूछा गया। तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट की खासियत ये होती है कि हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ आ जाए, बच्चे में डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ आ जाए, रिसेसिव होता है। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोम है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस डॉटर में जो डिजीज़ दिख रही है वो तभी दिख सकती है जब उस पर दोनों डिफेक्टिव एलील हो। दोनों डिफेक्टिव एलील मतलब जो फादर से एक्स मिल रहा वो भी डिफेक्टिव एलील को कैरी कर रहा, तो फादर पर डिजीज़ शो हो जाती भले वो रिसेसिव एलील है, क्योंकि फादर पे काउंटर पार्ट वाई है। तो सिंगल डिफेक्टिव एलील कैरिड बाय द एक्स इज केपेबल इनफ टू शो द डिजीज इन केस ऑफ मेल। तो मेल में डिजीज शो हो जाती है, इसलिए डिफेक्टिव एलील ऑटोसोम का है। इन लोग का जेनेटिक मेकअप ये दे दीजिए और जहाँ जहाँ डिजीज है उसका जेनेटिक मेकअप लोअर केस ए, लोअर केस ए, लोअर केस ए, लोअर केस ए। तो फादर का भी ये और मदर का भी ये, ठीक है जी, हेटरोजाइगस। ओके, थैंक यू।